क्लास, हेलो एवरीवन, क्लास गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखो एज यू नो दैट वी हैव फिनिश्ड लिमिट, एंड लिमिट का हमने एक एक क्वेश्चन करके देखा कि लिमिट क्या होता है, कैसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट हाउ वी कैन फाइंड, दिस ऑल थिंग्स वी हैव डन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब जो होता है, सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ द प्रोसेस, है ना, एक तरह का क्या है, प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी जो होता है फंक्शंस में जो चेंज आ रहे हैं उसको हम लोग ऑब्जर्व, है ना, क्या करते हैं डेरिवेटिव के थ्रू किसी भी फंक्शंस, है ना, एनी काइंड ऑफ अ फंक्शंस, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ चेंज दे गेट, है ना, क्योंकि फंक्शंस है। देखो फंक्शंस है तो इसमें दो चीजें, टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। तो इसका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, आपने पहले ही फंक्शंस में पढ़ रखे हो, जो फंक्शंस का चैप्टर है उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, है ना, अगर डेरिवेटिव अच्छे से सीखना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, एज यूजुअल वी आर गोइंग मोर स्टडी नो प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम, पढ़ोगे तो प्रॉब्लम, नहीं पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ना ही क्या नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो क्लास इसमें जो होता है हम लोग डेरिवेटिव में चलेंगे, और डेरिवेटिव में डेरिवेटिव हमें ये दिखाता है कोई भी फंक्शन को कि कितना जो होता है फंक्शंस में किस रेट से चेंज हो रहा है, चेंजिंग ऑफ द फंक्शंस, है ना, किस रेट से चेंज हो रहा है, ये देने के लिए, ये दिखाने के लिए हम लोग इस चीज का स्टडी करते हैं डेरिवेटिव। सो राइट द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव इज दैट, पहले डेरिवेटिव का आप डेफिनेशन लिखो, उसके बाद में मैं क्लास, ये क्या कह रहा है कि लेट कोई भी एक फंक्शंस है ना, लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब किसी भी तरह का इंटरवल है उसके बीच का कोई भी पॉइंट, है ना, कोई भी एक बीच का पॉइंट लेते हैं, है ना, सी, सी इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच का क्या है एलिमेंट है, देन एफ एक्स, एफ एक्स इज सेड टू बी द डिफरेंशिएबल और वेरिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि एक्स एट द सी लिमिट, सी लिमिट क्या है सी, है ना, इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी, x tends to c, fx minus fc or x minus c exist finitely, है ना, ये जो होता है अगर exist कर रहा है ना finitely, तो देखो यहाँ पे जो होता है limit जो है ना, limit is called the derivative, limit ऐसे limit जो इन दोनों के बीच के में जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, उस लिमिट को क्या कहते हैं डेरिवेटिव कहते हैं और डिफरेंशिएशंस कहते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सी एंड इज डिनोट, इसको जो होता है हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, एफ डैश सी, एफ डैश सी, या फिर जो होता है हम लोग इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं डी एफ सी, डी एफ सी कहने का मतलब हो गया ना डिफरेंशिएशन, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब डी का मतलब, ठीक है ना, डिफरेंशियल, या इसको हम लोग लिखते हैं क्या चीज, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स, है ना, और एट एट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना,
किसी भी तरह से इसको हम लोग ये डिनोट कर सकते हैं इस तरीके। ये जो होते हैं इतने सारे मेथड, या ये सबसे शॉर्ट ये है ना, ऐसे हम लोग टेस्ट से जो होता है डिनोट करते रहे, ठीक है ना। लेकिन देखो जब जो होता है ना, यहाँ पर तो एफेक्ट था है ना, एफेक्ट इसको क्या करेंगे क्लास, इसको हम लोग इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो सी प्लस एच माइनस एफ सी। तो इससे बहुत सारे जो होते हैं छोटे 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 है ना रूप है, इन सारे जो होते हैं फंक्शन से आपको वाकिफ होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट सॉरी लेफ्ट हैंड राइट हैंड है ना, एस टेंस टू एफ सी माइनस एच है ना माइनस सी अपॉन एच, ठीक है ना। ये सब डिनोट करने का तरीका, ठीक है ना, ये सब क्या था डिनोट करने का तरीका था ऐसे, है ना। कैसे क्लास लेट कर लेते हैं, लेट एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, क्या है एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा, इतना थोड़ा करेंगे ना, है ना, इतना छोटा 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 एकदम है ना, थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं। तो देखो इसको हम लोग करते हैं y प्लस एल वाई, थोड़ा सा इंक्रीमेंट। तो ये क्या है डोमेन है, तो यहाँ रेंज पे भी तो है ना, सॉरी ये रेंज है और ये डोमेन है, तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ जो होता है फर्क पड़ेगा, जब इसमें करा है तो इसमें भी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ x था और क्या हो गया डेल x, क्या हो गया डेल x। तो ये होता है क्लास, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन। डेरिवेटिव में हम लोग क्या देखते हैं, डेरिवेटिव में क्या देखते हैं कि कितना क्या कैसे चेंज हुआ, किस रेट से चेंज हो रहा। तो चेंजिंग हमें देखने के लिए कितना इसमें इस फंक्शन में कितना चेंज हुआ है ये देखने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, क्या करना है सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है ना। तो हमने क्या करा वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल एक्स डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो ये डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स है ना माइनस एफ एक्स। अब सुनो इसमें जो चेंजिंग आ रहा है ना, जो जितना सब चेंज आया मैं उतने ही से सोचता हूँ कि डिवाइड दे, है ना, बट डिवाइड देंगे किससे, उसी से, किससे, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, छोटा तो है, छोटा से छोटा 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 तो है ना, बट नॉट जीरो, जीरो की तरफ तो जाएंगे बट जीरो नहीं होना है ना, जीरो की तरफ तो जाएंगे बट जीरो नहीं जाना, ठीक है ना। तो क्लास विल राइट हियर लिमिट, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स से डिवाइड करेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना, दोनों तरफ जितना था उतना से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये फंक्शन वही था कौन सा, इसी को जो है लिमिट एच टेंस टू जीरो है ना और एफ एक्स प्लस एच, ना ये तो पॉइंट है,
ये कितना आ गया x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। अब अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पे, एक देखो जैसे कि देखो हम लोग जब कोई नंबर इंक्रीज करेगा, है ना, सपोज कोई भी फंक्शंस है, है ना, कोई भी फंक्शंस है अगर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ना, ठीक है ना, इंक्रीज कर रहा है तो किसी न किसी जो होता है पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो इंक्रीज करेगा। नहीं, हम सोचते हैं ये अमीर हो, कैसे, पहले गरीब था, गरीब भी हमने इसे देखा था, कभी जो होता है सॉरी मतलब कहीं उसे खाना नहीं मिलता था, ये नहीं मिलता, अब तो इतना थे भाई वो घर घर के पेपर बांटते, तो किसी ने तो देखा होगा ना, तो वहां से लेकर के उन्होंने साइंटिस्ट बन गए, ठीक है ना। तो इंक्रीमेंट देखा गया कि इस पॉइंट से कहां तक लोग बढ़, हम लोग तो ये देखते हैं कि कोई भी आदमी अगर इंक्रीज कर रहा है, कोई भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, आप है ना, मैं कैसे समझा कि तुम जो होता है तुम इलेवेंथ में आ गए भाई, हम लोग कैसे समझे कि तुम इलेवेंथ, पहले तुम किस में पढ़ता था, एल के जी में, यू के जी, फिर वन में, फिर टू में, फिर थ्री का ज्ञान आया, फिर फोर, फाइव, सिक्स, धीरे धीरे हर हर चीज का सर्टिफिकेट लगता गया। जैसे हमने स्कूल में पढ़ा तो यू के जी, एल के जी ऐसे करके पढ़ा, तो फिर जो होता है दूसरा सपोज स्कूल चेंज कर दिया, तो दूसरा स्कूल चेंज करोगे तो क्या करेगा, आपने जो पिछला जो पढ़ रखा है ना उसका सर्टिफिकेट, तो उसका रिजल्ट हमने लगाया, फिर कहा कि हाँ इसने पढ़ रखा है तो उसके बेस पे आगे एडमिशन हुआ, ठीक है ना। आपका इलेवेंथ में एडमिशन हुआ तो किस पॉइंट से हुआ भाई, कि टेंथ आपने पास कर लिया, इसलिए तो इंक्रीमेंट का हमें पता करना होता है ना कि इंक्रीमेंट इंक्रीज कहाँ से कर रहा है, कहाँ से इंक्रीज कर रहा है, तो कोई ना कोई पॉइंट होगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा वहां से इंक्रीज कर रहा है। तो अगर सपोज करो कि ये कोई भी पॉइंट है ए, क्या है ए, ए पे पहले फंक्शन एफ ए था, ए पे कोई भी फंक्शन पहले क्या था एफ ए, ठीक है ना, एफ पे कहीं भी कोई भी पॉइंट क्या था एफ ए था। अब यहां से थोड़ा सा हम थोड़ा 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 बढ़ेगा, एक आपने ट्वेल्थ में डायरेक्ट एडमिशन, इलेवेंथ में डायरेक्ट एडमिशन नहीं लिया, आपने लिया था डायरेक्ट एडमिशन, नहीं ना, डायरेक्ट एडमिशन लिया था, हर्षित बोल रहा है तू डायरेक्ट लिया था क्या, पहले वन टू थ्री फोर सब सारे आपने जो होता है क्लास पास कर रखे है ना, तो पहले छोटा सा पहले हम लोग डायरेक्ट नहीं लिए थे, अब जो होता है यहाँ पे इतना ही इंक्रीमेंट करेंगे क्लास, ये होगा a प्लस एच, a प्लस एच, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा a प्लस एच, ये जो होता है बढ़ेगा फंक्शन में भी इंक्रीमेंट होगा, अगर a प्लस एच था एच, एच हमने उतना ही इंक्रीमेंट कर, बहुत बहुत छोटा, बहुत छोटा करा है, विश्वास करो मेरे ऊपर बहुत छोटा करा है ना, बट नॉट जीरो, है ना, बट नॉट जीरो। सो क्लास वी विल राइट हियर लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, है ना, माइनस एफ ए अपॉन एच, यही अपने इंक्रीमेंट करा है ना, इतना ही एच टेंस टू जीरो, एकदम जो होता है छोटा, बट मैनेज कभी नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातें को पकड़ के रखना चाहिए, छोटे छोटे से ही बातें बड़ी बनती हैं, ठीक है ना, बातें छोटे छोटे से ही बड़े बनते हैं। सो क्लास अगर किसी भी पॉइंट पे हमें निकालना होता है डेरिवेटिव तो हम लोग ऐसे करते हैं, क्लियर है या नहीं, समझ में आया, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं आया, क्या नहीं आया बताओ, क्या बताओ, एक मिनट।
एक ही क्वेश्चन में इतना बुलवाया हूँ। लास्ट लिसन, सबको समझ में आया? अब देखो यहाँ से जो होता है, एक कोई भी फंक्शन मैं लेता हूँ है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, कोई भी एक फंक्शन है ठीक है ना, कोई भी। अब ये लिखना बंद रखें और यहाँ से ध्यान से सुन रखें ठीक है ना क्लास। तो देखो एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना कोई फंक्शन, हाँ। तो इसमें क्या करना था क्लास, इसको मैं मान लेता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख रहा हूँ, तो ये तो फंक्शन है, इसमें हमें क्या करना है दूसरा स्टेप में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना है, लक्ष्य बार क्या करना है थोड़ा सा इंक्रीमेंट। तो क्या करूं, y प्लस डेल y इक्वल टू ये कितना हो जाए x प्लस डेल x होल स्क्वायर प्लस वन, यही तो होगा। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, सबट्रैक्ट। अब क्या देखेंगे क्लास कि कितना चेंज हुआ है हमारे फंक्शन, तो सबट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, तो y प्लस डेल y, मैं अभी किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा, और ये कितना हो गया माइनस फाइव इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस वन है ना, माइनस कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया क्लास, और डेल वाई ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू डेल एक्स, ये क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है ना। अब जो कट रहा है उसको तो काट दो ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस वन भी तो था प्लस वन, और ये यहाँ पे ये तो माइनस वन था ही, यहाँ पे एक और चीज था ये प्लस वन था है ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब ये कट जाएगा ठीक है ना, ये और ये कैंसिल। अब वही करेंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट है ना डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू x इंटू डेल x है ना अपॉन डेल x लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो ठीक है ना क्लास। अब देखो यहां से डेल x कॉमन आ गया, लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो है ना, डेल x टेंड्स टू जीरो डेल x माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स अपॉन है ना, ये कट गया है ना, ये क्या हो गया कट गया, और क्या आ गया क्लास यहाँ पे देखो क्या आया, नीचे लिख दू ये जो आया या ऊपर लिख दू, ये जो हो गया क्लास डेल एक्स, अब डेल एक्स का सीधा हमने वैल्यू रखना, तो जीरो प्लस टू एक्स है ना इक्वल टू आंसर कितना हो गया ठीक है ना क्लास। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आया ठीक है, ये कितना आया टू एक्स, भूल गया लिसन ये कितना हो गया वाई इक्वल टू एक्स टू पावर एन वाई प्लस डेल वाई इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स डेल एक्स टू पावर ठीक है ना, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी क्लास, तो वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर लिमिट लेंगे क्लास, लिमिट डेल एक्स माइनस टू जीरो
सिग्मा अपॉन एल एक्स इक्वल टू, ठीक है ना। इसको कैसे मैंने बोला था तोड़ने के लिए क्लास, आपको शायद याद होगा, बाइनोमियल बाइनोमियल एक्सपेंशन से, ठीक है ना, ठीक है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन से। और इसका एक्सपेंशन मैंने दिखवाया था आप लोगों को, क्या होगा तो बताओ, थोड़ा सा दूसरा रहेगा। ये देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो है ना, ये कितना होगा एल सी जीरो एक्स टू दी पावर एन प्लस इंटू डेल एक्स टेंस टू दी पावर जीरो, यहां से शुरू होता था प्लस एन सी वन है ना, एन सी वन और एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डेल एक्स टू दी पावर वन है ना, और प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू है ना, और डेल एक्स स्क्वायर टेंस टू क्या आएगा एन सी एन एन सी एन, ठीक है ना, एन सी एन और एक्स टू दी पावर जीरो और डेल एक्स टू दी पावर एन, ये आता था या नहीं, ठीक है ना, माइनस एक्स टू दी पावर एन होल अपॉन क्या हो जाएगा क्लास डेल एक्स, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, ऊपर ये रफ कर लू, क्लास प्लीज डोंट कॉल, यस यू वोट अप है, देखो यहां पर। अब यहां पे आप देखो क्लास लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, अब देखो एन सी जीरो का क्या मतलब हो गया, एन सी जीरो क्या होगा एन एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा एन एन सी जीरो का सॉरी एन सी जीरो वन होगा ना, एन सी जीरो क्या होगा वन, और ये एन सी वन कितना हो जाएगा एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, यही तो होगा प्लस, देखो आप मुझे ये जो हो गया डेल एक्स, यहां डेल एक्स प्लस एन सी टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे क्लास, मैं किसी को नहीं सॉल्व कर रहा, एज इट इज रख रहा हूं, एक्स टू दी पावर एन माइनस टू है ना, जितना का मुझे जरूरत था मैंने भर दिया है ना, एन सी वन और ये कितना हो गया इसकी भी वैल्यू वन, द डेल एक्स टू दी पावर एन माइनस एक्स टू दी पावर एन होल अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। तो देखो ये और ये क्या हो गया कट गया, उसके बाद में लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, अब यहां से क्या आएगा डेल एक्स कॉमन एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस क्या था एन सी टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू डेल एक्स डेल एक्स एन माइनस वन एन माइनस वन अपॉन डेल एक्स, ये कट गया, बाकी सब में तो होता है डेल एक्स की वैल्यू जीरो रख दे, तो जैसे ही जीरो रखा तो ये सब ये क्या हो जाएगा जीरो, ये आगे जितने सारे क्या हो जाएंगे
हमें क्या बचेगा, ए टू की पावर एन माइनस वन, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो यही प्रूफ करने के लिए भी बोलता है। ये सारे जो होता है फॉर्मूले तो कम से कम एक बार जो होता है ध्यान में रख लेना। देखो ये जो है ना, अभी जो यूज मैं करूंगा साइन सी प्लस साइन बी, टू साइन सी प्लस बी अपॉन टू कॉस सी माइनस बी अपॉन टू, याद रखना क्या होगा, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा जब साइन का डिफ्रेंसिएशन निकाल दूंगा तब, ठीक है ना। तो हो गया क्लास, लिख लिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन जो होता है, जैसे y इक्वल टू क्या हो गया साइन एक्स, y इक्वल टू क्या हो गया साइन एक्स, तो क्या हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग निकालेंगे डेल y है ना इक्वल टू साइन x प्लस डेल एक्स, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गए, ये इक्वेशन सेकेंड हो गए, और उसके बाद में फिर क्या करेंगे क्लास, सबट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो क्या हो गया वाई प्लस डेल वाई है ना माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स है ना माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अब देखो क्लास, ये यहां से कट गया, लिमिट ले लेता हूं डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, प्लीज टाइम कम है बातें ना करें, डेल एक्स टेंस टू जीरो, और देखो ये कितना हो गया साइन साइन एक्स प्लस डेल एक्स मतलब माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डेल एक्स। अब देखो साइन सी प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है ना। तो इसको करेंगे लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो साइन टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस सॉरी साइन सी प्लस डी होता है ना प्लस एक्स प्लस एक्स, और ये कितना हो गया इनटू साइन कॉस कॉस एक्स प्लस डेल एक्स एक्स प्लस डेल एक्स, यहां पे फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन बी वाला, साइन सी माइनस साइन बी का क्या है, साइन सी माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला, टू साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी है ना माइनस एक्स अपॉन 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 टू, ठीक है ना, और कॉस कॉस सी प्लस एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स है ना अपॉन टू अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना क्लास। अब देखो यहां पे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, सुनो यहां पे क्या हो गया, ये कट गया, तो टू इंटू साइन डेल एक्स अपॉन टू है, ठीक है ना, तो इसको वन करना है डेल एक्स अपॉन टू इंटू डेल एक्स अपॉन टू और इंटू कॉस, ये कितना हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन टू है ना होल अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना क्लास। तो उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये कितना हो गया, ये तो पूरा वन हो गया क्लास, ये पूरा कितना हो गया वन, तो टू इंटू डेल एक्स अपॉन टू है ना इंटू कॉस
इसको क्या लिखे, ऐसे लिखो 2x/2 + x/2 ठीक है ना, अपॉन डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये 2 कट गया, ये डेल से डेल कट गया, जीरो लिमिट का वैल्यू रख देता हूं, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन डी ऑफ साइन एक्स है ना, डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है ना, ये हो गया। ओके क्लास, थैंक यू।